क्या, अभी बजे हैं 4:30 और बस 10 मिनट में हम निकल जाएंगे जी हाँ जूहू चौपाटी के लिए। और ये देखिए, ये है हमारी ऑटो रिक्शा, ये देखिए हमारी रिक्शा है। इसी के साथ आज हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं घाटकोपर से जूहू चौपाटी। तो बस शुरू करते हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी बस निकलने ही वाली है, बस बैठते हैं इसमें और शुरू करते हैं जूहू चौपाटी का सफ़र। चलिए आओ जल्दी, बैठ चुके हैं हम जूहू चौपाटी के लिए। कहाँ से निकलते हैं बाहर और बाहर निकलते साथ। ये देखिए अभी हम बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए अभी हम और बाहर सब अभी और लोग बैठेंगे और जैसे कि और भी लोग आ रहे हैं हमारे घर के, वो लोग आएंगे बैठेंगे और ये सफ़र शुरू होगा। मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट में हमारा सफ़र शुरू होगा, पर फिलहाल थोड़ा सा लेट होते जा रहा है एक्चुअली। तो बस फाइनली गाइस, ये देखिए हम जूहू चौपाटी पहुंच चुके हैं। बस अंदर जाते हैं और अंदर का जो भी व्यू है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ब्लॉक सबसे हटके होने वाला है। तो बस हमारे भाई आ जाएं जो रिक्शा पार्किंग करने गए, तो बस वो आ जाएं, फिर बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉक। वेलकम बैक टू जूहू चौपाटी। ये देखिए शाम के 6:30 बज चुके हैं और 4:30 बजे हम निकले थे अपने घर से। जूहू चौपाटी हम लोग पहुँच चुके हैं और ये शाम का क्या खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। सूरज डूब रहा है और इस वक्त समुंदर के किनारे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए जूहू चौपाटी, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आई होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा। देखिए ऐसे ऐसे नज़ारे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो शायद अब तक आपने जूहू चौपाटी इस ब्लॉक में अगर देखा भी होगा तो भी आपको इस ब्लॉक में उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेफ्ट पॉन देखिए, देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और सिर्फ इमरान शेख चैनल पर देख सकते हैं आप ये ब्लॉक। देखिए जूहू चौपाटी का ये उफ़ की लहरें, कमान 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 कमान। देखिए ढलता सूरज और यस ये देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे पानी में, हम लोगों ने नहाया, खूब मस्ती की और अब ये भुजिया का बाल खा रहे हैं। वाला था खाने वाला खूब नहीं वाला, जो जाता है फिर खाते हैं। अरे है बहुत मस्ती किया, अंदर गए हमने नहाया, बालू मत लगा, ठंडी लगी थी, इस वक्त मैं जैकेट पहना हूँ और
एक बार शूटिंग करते वक्त मेरे मोबाइल में पानी चला गया था, जिसके कारण मुझे वापस वहाँ से आना पड़ा। बस आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करेंगे ना। चलिए तो बस अभी हम लोग थोड़ा देर और यहाँ रुकने वाले हैं, उसके बाद रात को निकलेंगे। चलिए मिलते हैं भाई।